अक्सर स्कूलों में चित्रकारी प्रतियोगिताएं होती रहती है, परंतु उन चित्रकलाओं को स्कूल तक ही सीमित रखा जाता है। परंतु शहर के चर्चित शिक्षण संस्थान माइलस्टोन स्कूल द्वारा अपने बच्चों के भीतर की चित्रकारी की कला प्रदर्शनी लगाकर की गई, जिसमें बच्चों के पालक सहित आम जनता ने भी प्रदर्शनी का अवलोकन किया और मंत्रमुग्ध हो गए। शहर के विख्यात शिक्षण संस्थान माइलस्टोन में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार के क्लबों की स्थापना की गई है। इन क्लबों में हिस्सा लेकर बच्चे अपने अंदर छिपी प्रतिभा को निखारने का काम कर रहे हैं और इसमें स्कूल प्रबंधन भी अपनी महती भूमिका निभा रहा है। ऐसा ही एक क्लब है आर्ट क्लब, जिसमें बच्चे हिस्सा लेकर अपने अंदर छिपी चित्रकला की प्रतिभा को बखूबी निखार रहे हैं और स्कूल प्रबंधन भी इनकी कला को सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि इनके द्वारा बनाई गई चित्रकला को इनके पालकों के अलावा अन्य जनमानस तक भी पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, जिसके तहत भिलाई के सूर्या टीआई मॉल में बच्चों द्वारा बनाई गई चित्रकला की प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में कुछ बच्चों ने जीवंत चित्रकारी का प्रदर्शन भी किया और मंच पर कैनवास लगाकर दिए गए विषय को अपनी भावनाओं की कलम से उकेरा। इस प्रदर्शनी में शामिल हुए विद्यार्थियों के पालक भी अपने बच्चों की कला देखकर अचंभित हो उठे और स्कूल प्रबंधन की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। साथ ही इस आयोजन को देखने वाले आम जनमानस ने भी स्कूल के छोटे बच्चों द्वारा बनाई गई चित्रकला को देखा और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। चित्रकला की विधा काफ़ी संयम का काम है और स्कूल में सिखाई जाने वाली हर विधा बच्चों को किसी न किसी तरह से अपने लक्ष्य को पाने के लिए मजबूत बनाती है। स्कूल प्रबंधन की एकेडमिक डायरेक्टर श्रीमती शुभम शुक्ला यानी कुहू मैडम ने इस प्रदर्शनी के साथ स्कूल में होने वाले अन्य गतिविधियों एवं इन गतिविधियों में शामिल होने वाले विद्यार्थियों एवं गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को सशक्त बनाने वाले शिक्षक गणों के बारे में जानकारी दी। माइलस्टोन में बहुत सारे क्लब्स हैं, जैसे आर्ट क्लब है, डांस क्लब, ड्रामेटिक्स, मैथ्स क्लब, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में जिमनास्टिक्स अलग हो गया, बैडमिंटन अलग, फुटबॉल अलग, क्रिकेट अलग, जूडो अलग। तो ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं जो कि बच्चे चूज करते हैं कि उनको कौन से क्लब में पार्ट लेना है। ये आर्ट क्लब का इवेंट है। आजकल आर्ट गैलरीज बंद हो रही हैं, कोई आर्ट गैलरी जाना नहीं चाहता, तो विजुअल आर्ट जो कि इतना बड़ा एक फॉर्म है, जो कि कैथारेटिक थेरेप्यूटिक फॉर्म है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है क्योंकि उसके कोई टेकर्स नहीं है। तो हमने सोचा कि लोगों को गैलरी तक ले जाने के बजाय हम आर्ट फॉर्म को मॉल तक लेकर आएंगे, क्योंकि लोग यहाँ होते ही हैं। जैसे इतनी शॉप्स में जाके इतनी सारी चीज़ें देखते हैं, वैसे इतने छोटे बच्चों ने जिस तरह से आर्ट फॉर्म्स अपने बनाए हैं, प्रेजेंट किए हैं, पूरे साल मेहनत करी है, एक एक बच्चे का एक एक डिस्प्ले है, उनको वो देखें, बच्चों को भी इससे एनकरेजमेंट मिले और कहीं ना कहीं जो आर्ट फॉर्म्स धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं वो शायद वापस अलाइव हो जाएँ, क्योंकि एक इंसान भी कुछ देखता है उसके दिमाग में कुछ रह जाएगा, फिर वो वैसे अलाइव रहेगा। तो वही एक छोटी सी कोशिश है आर्ट क्लब की। आप देखेंगे स्टेज पे तीन लाइव आर्ट्स फॉर्म्स भी चल रहे हैं, तीन बच्चे वहाँ पे लाइव ड्रॉ कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने इस चीज़ को उतारा। और बहुत सारे आर्टिस्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे खुद के सीखे हुए सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं। एक बच्चा है जो कि कोविड में जब पूरी दुनिया अपना डायरेक्शन लेस थी, उसने यूट्यूब से स्केचिंग सीखी और उसने बहुत अच्छी स्केचिंग करी है। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनके खुद के चैनल्स भी हैं, तो उनको एनकरेज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म, आर्ट फॉर्म्स को जिंदा रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म, और आर्ट गैलरीज बंद हो रही हैं तो हम आर्ट को वहाँ ले आए जहाँ लोग जाते हैं। मैडम, स्कूल में जैसा आपने बताया बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, हर चीज़ पर्सन में कुछ ना कुछ डेवलप करता है जी। अगर हम इस आर्ट फॉर्म की बात करें तो आपको क्या लगता है बंदे के अंदर क्या पर्सन किस तरह का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है? एक तो क्रिएटिविटी का आउटलेट है सबसे पहली बात, दूसरी चीज़ पेशेंस। ये कुछ भी जो बच्चों ने बनाया है ये बिना पेशेंस के हो नहीं सकता। पेशेंस, एक जगह आप बैठे रहे, बच्चों से बात करी, कोई कोई पेंटिंग्स को 8 घंटे लगे, 8 घंटे एक जगह पे बैठना या किसी एक चीज़ पे फोकस करना, आज के टाइम पे जब स्क्रीन टाइम इतना बढ़ रहा है बच्चों का और अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, ये इम्पॉसिबल है। तो आर्ट फॉर्म्स जो है वो पेशेंस बच्चों में डेवलप करते हैं, फोकस डेवलप करते हैं, अटेंशन टू डिटेल कि एक एक बारीक लाइन जो है पढ़ रही है वो उसकी ब्यूटी को एनहांस कर रही है, तो उसको कैसे डालना है। फिर तपस्या, कोई भी आर्ट फॉर्म सीखना एक तपस्या है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि 10 दिन सीखा अपने अपने छोड़ दिया, वो कमिटमेंट कि नहीं मुझे सालों साल ये करना है, ये तो आर्टिस्ट जो पिकअप करते हैं वो है। पर सोसाइटी भी देखिए, हम लोग जाते हैं तो एक वॉल में बहुत सुंदर सी पेंटिंग है, उसमें एक माँ रो रही है तो हमको दुख लगता है, तो हमारा वहाँ एक कैथारसिस हो जाता है। हम कोई मूवी देखते हैं, मूवी भी कैसे हुआ, चल चल पहले तो पिक्चर्स ही होते थे, वो
तो वहां पे हमको कुछ लिखा, हमारे इमोशंस का जो आउटलेट है वो सोसाइटी के आर्ट फॉर्म्स ही करते हैं, तो अगर आर्ट फॉर्म्स मर गए तो कहाँ ये क्रिएटिव आउटलेट, ये नहीं होगा, फिर ये वायलेंस में निकलेगा, ये लड़ाई झगड़े में निकलेगा, रायट्स में निकलेगा। तो आर्ट फॉर्म्स का जिंदा रहना बहुत जरूरी है और उसके लिए आर्टिस्ट को एनकरेज करना बहुत जरूरी है, जो आज की शाम हम करने की कोशिश कर रहे हैं। पेरेंट्स को आई होप ये पता हो कि माइलस्टोन में हर थर्सडे 1 घंटा बच्चे क्लब्स में जाते हैं, ये पूरे साल बच्चे मेहनत करते हैं तब उनका एक इवेंट होता है, ये एनुअल इवेंट है, हमने लास्ट ईयर भी किया था, हम इस साल भी कर रहे हैं, हम अगले साल भी करेंगे। तो बच्चा इस दिन के लिए, तो जैसे डांसर्स के लिए एनुअल फंक्शन हो जाता है वो डांस कर लेते हैं, गाने वालों के लिए गाने का कॉम्पिटिशन हो जाता है, विजुअल आर्टिस्ट कहाँ जाते हैं, ये विजुअल आर्टिस्ट का प्रोग्राम है जिसके लिए वो पूरे दिन वेट करते हैं, पूरे साल उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। आई होप हर एक पेरेंट को पता हो कि बच्चे ने हर एक थर्सडे को जो क्लास में किया उसके लिए हर दिन घर में कुछ प्रिपेयर किया होगा और ये पूरे साल की मेहनत है जो यहाँ आई है। एंड होपफुली आगे और पेरेंट्स एनकरेज करें बच्चों को, इतनी पेंटिंग्स हो जाएं कि पूरा मॉल भर जाए। आज हर पालक अपने बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को निखारना तो चाहता है, परंतु पारिवारिक उलझनों की वजह से वह बच्चों को समय नहीं दे पाता और चाहता है कि जिस स्कूल में बच्चा पढ़े वहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएं बच्चों को अपना मानते हुए ऐसी गतिविधियों को जरूर करवाएं जिससे बच्चों के अंदर पढ़ने की रुचि जागे और बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से अपने भविष्य के जीवन को जीने के लिए मजबूत बन जाए। ACN न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।